आवाज आ रही है आपको जी? बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको अबडक्ट किया है गैरेज में आके, हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़े और घर वालों को किसी को पता ही नहीं है कि आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हमें को लेके गए, अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूंगी कि प्लीज इसके ऊपर सो मोटो लें, इट्स ही इज अ नेशनल लीडर। कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीजन का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसें, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वजीर आजम से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए हैं, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट में फैसला दें और फवाद चौधरी साहब को रिलीज करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।